अच्छा 45, मैं ये सोच के आया था, मैं बड़ा ईमानदारी से आप लोगों को बताऊं कि होता क्या है इस तरीके के इवेंट्स में, जब कोई पैर रखने वाला भी नहीं. अच्छा, तो इस तरीके के इवेंट्स में क्या होता है कि जब कोई राइटर आता है कहानी सुनाने या बात करने, तो पहले 4-5 मिनट तक उसकी तारीफ की जाती है कि इन्होंने ये किया है, ये किताबें लिखी हैं. जैसे मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर मेरा इंट्रोडक्शन कोई देता मेरे आने से पहले, तो ये होता कि इन्होंने मसाला चाय लिखी है, शर्ते लागू लिखी है, और मुसाफिर कैफ़े नाम का एक नावल लिखा है जो बेस्ट सेलर है, और साथ में मेरे जो टीम है उनमें सौरभ नेगी है, जो एक आम कोई भी जो लड़का हिंदुस्तानी होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इन्फोसिस में काम करते थे, और नेचुरल लाइफ में जितना फ्रस्ट्रेट कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है वैसे ही है, इसीलिए थोड़ा गाने वाने लिखने लगे हैं, और नेचुरली जितने प्यार कर सकते थे उतने प्यार कर चुके हैं, और इस तरीके का. तो मैंने ये सोचा था कि बहुत तारीफ़ हमारी की जाएगी, जो कि की नहीं गई, की नहीं, तारीफ़ नहीं की गई हमारी, कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. तो होता क्या था कि मैंने ये सोचा था कि अगर तारीफ़ की जाती तो मैं स्टेज पर आता, ऐसे ही माइक उठाता और बताता कि भाई जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो उतना ही छोटा आदमी होता है. क्योंकि अब जैसे अगर अमिताभ बच्चन यहाँ पर आ जाएँ तो ये बताना पड़ेगा क्या उन्होंने दीवार में काम किया है, इन्होंने शोले में काम किया है. अब अमिताभ बच्चन काफ़ी है, उनका ऑटोग्राफ काफ़ी है, उनके घर का एड्रेस है. तो इसीलिए लाइफ में मेरे को लगता है कि जब तक आप ये अचीव नहीं कर लेते कि पूरा शहर आपका घर का एड्रेस जानता है, तब तक आपने लाइफ में कुछ अचीव किया. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और चूँकि ये सब मुझे बोलना ही था, तो मैं मुंबई से आया हूँ तो अमिताभ बच्चन की एक कहानी सुनाता हूँ. एक ये पहली और आखिरी जो किस्सा होगा शाम का, वो ऐसा होगा जो सच होगा, इसके बाद सब कुछ मैं झूठ सुनाऊँगा. यहाँ पे कोई नेहा नाम की लड़की बैठी है क्या? एक तो ऐसे ही लोग कम है, बट बस सर आप मारिएगा मत मेरे को, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसके लिए. तो हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे आजकल कैब वैब चलने लगी है, मेरे को बताया गया ओला उबर टाइप का चलने लगा, तो मैं ऐसे ही कैब बुक किया मैंने मुंबई में, और वहाँ पे पृथ्वी थिएटर एक है जहाँ पे प्लेज होते हैं, सब लोगों को पता है कि वहाँ पे तो होते हैं. और मैंने कैब वाले को बोला भाई पृथ्वी थिएटर के पास आ जाओ, और वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि अरे कहाँ पे भैया क्या बता रहे हो. और पृथ्वी थिएटर से बच्चन साहब का घर उतनी दूर है जैसे कि समझिए जहाँ पे रोका जा रहा है लोगों को बाहर गेट पे, उतनी सी दूर पे है. तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन का घर देखा है ना, वहाँ पे आ जाओ. तो इसके बाद मैं चौड़ा होके अमिताभ बच्चन के घर के बाहर पहुँच गया, और जब मैंने ऐप अपनी चेक की तो देखा मैंने कि जो वो कैब है मैं एक नेहा नाम की लड़की के साथ शेयर कर रहा था. अच्छा, हिंदी के जो भी लेखक हैं, अभी दो मेरे दोस्त और बैठे हैं सत्य व्यास और आशीष चौधरी, अभी बताएंगे कि हिंदी के जो भी लेखक हैं हिंदुस्तान में हमेशा शेयर्ड कैब बुक करते हैं. उसकी 3 वजह हैं, पहला पैसा, दूसरा पैसा, और तीसरा उम्मीद, पैसा नहीं कि उम्मीद है कि कोई मिल जाए. तो हुआ क्या कि अब जब नेहा मिल गई पड़ोस वाली सीट पर, मैं अपना चौड़े होके खड़ा हूँ अमिताभ बच्चन घर के बाहर, और मैं पीछे का मैंने गेट खोला, मैंने कहा अरे मैंने तो शेयर्ड कैब बुक नहीं किया था, ये कैसे? तो नेहा ने कहा कि हो सकता है गलती से हो गया हो, आप कितनी दूर जाना है? मैंने कहा अरे बस पास तक जाना है. तो उसने कहा ठीक है फिर आप आ जाइए. बैठे हम लोग, अब मैंने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर डाला, जैसे अगर आप लोगों ने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो बीच बीच में म्यूज़िक बजते रहना चाहिए. तो मैंने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर डाला, और उसके बाद मैंने अपने किसी दोस्त को कॉल करके बताना शुरू किया कि यार अमित जी को तो बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट, उन्होंने एक दो जगह बोला है चेंज करने को, लेकिन मैंने कह दिया अमित जी देखिए चेंज नहीं होगा. और ये बोल तो दिया मैंने अमित जी को, लेकिन मुझे डर भी लगा कि यार अमिताभ बच्चन कहीं काम करने से मना ना कर दें. इसके बाद अमित जी ने 10 मिनट तक सोचा, और ये मैं फ़ोन पर बता रहा हूँ, समझ लीजिए कि नेहा इधर बैठी है और मैं इधर बैठा हूँ, मैं फ़ोन पर बता रहा हूँ अपने दोस्त को कि. और उसके बाद फिर अमित जी ने बोला कि देखिए श्रीमान, मैं तो कहता हूँ कि जो फिल्म होती है उसका पहला हीरो जो होता है वो लेखक ही होता है, और मेरे तो खुद के पिताजी भी इतने बड़े लेखक थे. मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, और उन्हीं को पढ़ के मैंने लिखना भी सीखा और ये सब. उन्होंने कहा कि जैसा आपने लिखा है श्रीमान एक भी लाइन चेंज नहीं होगी, वैसे ही होगा. अब ये बोल के मैंने, मुझे लगा मैंने ठीक ठाक फेंक दिया, अब मैं फ़ोन रख सकता हूँ, अब मैंने पूरी सेटअप कर लिया है अपना. तो फ़ोन मैंने जैसे ही रखा तो इतने में मेरे से नेहा ने पूछा कि आप, और ये वो सवाल था जो पिछले 100 सालों में किसी भी राइटर से अगर पूछा गया होगा तो दुनिया का सबसे अच्छा सवाल होगा. नेहा ने मुझसे धीरे से पूछा कि आप लेखक हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत किताबें लिख लेता हूँ, लेकिन अब हिंदी किताबें कौन ही पढ़ता है, मतलब इस दुनिया में इतना फुर्सत मिले तब ना. तो
तो इसने बाद लोगों ने कहा कि तो नेहा ने कहा कि आप अपनी किताब का लिंक भेज देंगे, और मेरे अंदर का लेखक बहुत खुश हो रहा था कि यार ये तो नंबर भी नहीं मांगना पड़ा, अपने आप ही मैंने किताब का लिंक भेजा और अमेज़ॉन का लिंक भेजा, मुसाफिर कैफ़े का भेजा होगा जहाँ तक है, मैं बार बार किताब का नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, नहीं भी पढ़ना हो तब से आपको पता रहे कि हाँ किस तरीके का, तो मुसाफिर का लिंक भेजा, मैंने एक हैप्पी रीडिंग भेजा और एक स्माइली बना दिया। नेहा का इतने में स्टॉप आया, वो उतर के गई, और उसका 5 मिनट बाद मुश्किल से मैसेज आया कि मैं अमिताभ बच्चन की सोशल मीडिया टीम में काम करती हूँ, सर 10 दिनों के लिए मुंबई से बाहर गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी किताब ज़रूर पढ़ूंगी और अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं सर तक ज़रूर तुम्हारी किताब पहुँचा दूंगी। फिर एक अगला व्हाट्सएप आया, एक चीज़ और क्या बोला था उसने उसने तो नेहा ने कहा कि एक चीज़ और, मैंने आज गलती से शेयर्ड कैब बुक कर दी थी, मैं नॉर्मली शेयर्ड कैब बुक नहीं करती, थैंक यू। तो ये तो सच्ची घटना हो गई। इसके बाद मैं सुनाता हूँ कि स्टोरीबाजी है क्या एक्चुअली, हम लोग मतलब वैसे भी जो गप्पबाजी यहाँ पे कर रहे हैं और ये जो भी कर रहे हैं, तो स्टोरीबाजी बेसिकली एक हाइपोथेटिकल शहर है, एक हाइपोथेटिकल मोहल्ला है जो हम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक हमारा शहर या एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले की कहानियाँ। मैं कहानियाँ सुनाऊँगा उस मोहल्ले की जहाँ पे सड़कें कम हैं, गलियाँ ज़्यादा, जहाँ यादों के ट्रैक पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगता, जहाँ हमारी उम्र उतनी हो जाती है जितना हम होना चाहते हैं, जितना हम सोचते हैं, जहाँ कहानी ख़त्म होने पे तुम मुझे मिलो ना मिलो परवाह नहीं, लेकिन कहानी की शुरुआत में तुम हमेशा मुझसे आगे टकरा जाती हो, कभी ट्यूशन में तो कभी कभी स्कूल में तो कभी कॉलेज में तो कभी ऑफिस में, जहाँ पे कहानियाँ हैं मेरी और मेरे दोस्तों की, तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की, जहाँ पे कहानियाँ हैं उन अंकल की जो तुमसे कभी खुश नहीं होते, जहाँ कहानी है उन आंटी की जो दुनिया का सबसे अच्छा मटर पनीर बनाती हैं, जहाँ कहानी है मम्मी की जो तुमसे कभी नाराज़ नहीं होती, जहाँ कहानी है उन पापा की जिनसे तुम खुल के कुछ कभी बोल नहीं पाते, यहाँ अभी भी कहानियों में तुम कॉलेज में जाने वाले एक लड़के या लड़की की तरह अपनी रूटीन लाइफ में घूम रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो। तो थोड़ी देर के लिए एक नॉन कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और चलते हैं स्टोरीबाजी वाली टपरी पे कहानियों की चाय पीने, कुछ ऐसी कहानियाँ जिसका हीरो जिसकी हीरोइन कोई तुम्हारे जैसी लड़की हो। जब मैं तुम्हारे जैसी बोल रहा हूँ तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ और आपको भी बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी कहानियाँ जिसकी हीरोइन कोई तुम्हारे जैसी लड़की हो, जिसमें हीरो कोई ऑर्डिनरी सा लड़का हो, कुछ दोस्त हों जिनसे केवल तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की बातें हों। मैम आपका बहुत छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों का बहुत छूट गया। नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए दोबारा कर दूंगा वो सब कुछ जो मैंने किया है, ऐसा है आप लोग आए सुनने के। मेरा नाम दिव्य प्रकाश है और मैं कहानी किताब लिखता हूँ, 3 किताबें मैंने लिखी सॉरी तो कुछ ऐसी कहानियाँ जिसकी हीरोइन कोई तुम्हारे जैसी लड़की हो, जिसका हीरो कोई ऑर्डिनरी सा लड़का हो, जिसमें कुछ दोस्त हों जिनसे केवल तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की बातें हों। कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाओ तुम जिसमें कभी तुम तो कभी मैं तो कभी हमारा शहर बीता हो। स्टोरीबाजी की अब पहली कहानी पे आते हैं। कहानी का नाम है पर्ची। जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे तो बहुत पर्चियाँ बांटा करते थे, अब आजकल तो व्हाट्सएप हो गया है, मोबाइल हो गए हैं, प्यार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मुझे को ऐसा लग रहा है, कनेक्शन आसान हो गया, प्यार करना मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ पे किसी का नाम नेहा तो था नहीं, आप लेट आए, आप बता दीजिए, आपकी सज़ा यही है। क्या नाम है आपका? हाँ अंशु, बहुत आसान नाम है, कल मैंने ऐसे ही पूछ लिया था नाम, बड़ा मुश्किल हो गई कलकत्ता में मुझे, तो अंशु आसान नाम है। तो मैम इसके बाद की कोई जिम्मेदारी नहीं मेरी, आपको डांटना मारना है जो भी, ठीक है ना? आपने कलकत्ता से कॉलेज किया है? मैंने भी मान लीजिए यहीं से किया है कॉलेज। तो मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे कह नहीं पाया अंशु, लेकिन आज कॉलेज के 25 साल बाद पता नहीं क्यों तुमसे ये सब कुछ कहने का मन कर रहा है। कॉलेज के पहले दिन ही जब तो आपको देखा था तो मुझे इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार हो गया था आपसे। तुम जो क्लास में अपनी सहेलियों के साथ सबसे पीछे बैठती थी, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपके पास आऊं अंशु और आपको चाय या कॉफ़ी के लिए पूछूं। एक बार मैं बड़ी हिम्मत करके आपके पास आया और मैंने आपसे कहा, हाय अंशु, आई एम दिव्य प्रकाश, बॉन्ड वाला, आई एम दिव्य, दिव्य प्रकाश। तो आपने और आपकी सहेलियों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही तुमने और तुम्हारी तुमने ये बोला, तुम्हारी सारी सहेलियाँ फूट फूट कर हंसने लगीं। हंस वो रही थीं
फूट मह रहा था मन ही मन, अंदर ही अंदर। अच्छा, ये पूरी दुनिया में, शायद हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि किसी भी ट्यूशन, किसी भी कॉलेज, किसी भी ऑफिस में जब लड़कियां हंसती हैं तो सब एक साथ हंसती हैं, चाहे उन्हें बात पता हो या ना पता, उनकी पता नहीं कैसे केमिस्ट्री मैच कर जाती है। लेकिन खैर, इस फूटने वाले कांड के बाद मेरी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही, कॉलेज वैसे ही बीतता रहा। लेकिन ये जो इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार होता है ना, ये रह रहे के उबाल मारता है। एक दिन तुम क्लास में लेट आई थी, अपने तुमने ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही तो बेसिक फ़र्क होता है ना, स्कूल में लोग जल्दी आते हैं ताकि आगे वाली सीट मिल जाए, कॉलेज में लोग इसलिए जल्दी आते हैं ताकि पीछे वाली सीट मिल जाए। तो खैर, आपने ध्यान नहीं दिया और आप मेरी पड़ोस वाली सीट पर आके बैठ गई, और आपके बैठते ही जो लेक्चर बोरिंग लग रहा था एकदम से इंटरेस्टिंग लगने लगा। मुझे लगा कि आज ये मौका मिस नहीं होना चाहिए। मैंने, और ऐसा पहली बार हुआ था कि आपकी कोई भी सहेली आपके आसपास नहीं थी, आज की तरह नहीं था, कोई भी सहेली आपके आसपास नहीं थी, और मैंने अब सोच लिया कि आज तो बात करनी है। मैंने तुरंत अपने रजिस्टर से एक पर्ची फाड़ ली और उस पर लिखा सॉरी, और आपकी तरफ बढ़ा दी। आपने उस पर्ची को 10 मिनट, आपको याद आ रहा है ना सब ये? हाँ, तो आपने अपने 10 मिनट तक उस पर्ची को देखा और उसके बाद उस पर्ची को फाड़ दिया। फिर पता नहीं क्या सोच के आपने एक पर्ची पे लिखा इट्स ओके, और एक स्माइली बना दिया आज से 25 साल पहले। वहीं से स्माइली पहली बार दुनिया में आया था। उसके बाद मैंने पूछा एक चीज़ और, कैंटीन में कॉफ़ी प्लीज़ मना मत करना। आपने 2 मिनट तक सोचा और कहा ओके। फिर मैंने कहा एक चीज़ और, तुमने पूछा क्या, तो मैंने कहा प्लीज़ अपनी सहेलियों को लेके मत आना। ये पढ़कर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी, और हंसने की वजह से हम दोनों को क्लास के बाहर निकाल दिया गया। आज जब आपकी शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है प्लीज़ ट्रीट दिस एज पर्सनल इनविटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पे लिख के ही भेज दिया होता तो आपकी शादी में पक्का आ जाता। थैंक यू। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी, एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियां, एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियां, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियां, एक लड़का वो था जिसने थी पढ़ी कहानियां, एक लड़की वो थी जिसने थी लिखी कहानियां। शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, शाम की वो ट्रेन थी और लंबी रात थी, बिन टिकट चढ़े थे हम कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो सब कहानियों में प्यार आम बात है, यूं तो जिंदगानियों में मरने तक ही साथ है, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते, साथ चल दिए थे हम जिंदगी के वास्ते, जान के भूले थे हम घर के सारे रास्ते, वो बात याद है नहीं और तुम भी अब कहाँ यहीं, वो रात भर लड़े थे हम कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन जले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। सब खुदाओं के यहाँ खूब भीड़ भाड़ थी, सब खुदाओं के यहाँ खूब भीड़ भाड़ थी, यादों को किया इकट्ठा हाथ में कबाड़ थी, यादों को किया इकट्ठा हाथ में कबाड़ थी, आदतें हिसाब की, आदतें किताब की, आदतों की आदतें बात बेहिसाब की, गिन के क्यों पिए थे हम कोई तो ऐसी बात थी। कहीं पे दिन ढले हुए, कहीं पे सूखी रात थी, तेरी मेरी कहानी में कोई तो ऐसी बात थी। थैंक यू। ये तो हो गई मेरी कहानी। एक्चुअली
अब मैं अपने पापा की असली कहानी सुनाता हूँ आपको। तो होता क्या है कि कहानी का अगली कहानी जो स्टोरी बाजी की, उसका नाम है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और आजकल की जनरेशन में जब मेरे पिताजी प्यार व्यार हम लोग जब करते तो देखते हैं, उनको लगता है यार तुम लोग क्या प्यार करते हो, जैसे अब मुझे लगता है कि अब की जनरेशन क्या प्यार करती है। तो कहते थे अब तो कि प्यार तो हमारे टाइम में होता था। और मेरे पिताजी जिससे प्यार करते थे, जिससे सच्चा वाला प्यार करते थे, वो मेरी मम्मी नहीं थी। वो असल बात मेरी क्लास सेकेंड की क्लास टीचर थी, मीना पाठक नाम था उनका, और पापा जी प्यार से उनको मीना कुमारी कहते थे। तो क्लास सेकेंड की बात है, और उनको मैं कोई ऐसा पढ़ने में कमज़ोर वमज़ोर कभी भी नहीं था, और ना पढ़ने में कोई बहुत अच्छा ही था, लेकिन मेरी टीचर ने ये बात ईगो पे ले ली थी, मीना पाठक ने। उन्होंने हुआ क्या कि मेरे को 20 में से एक बार गलती से मैथ्स में 19 नंबर दे दिए, और दुबे खानदान में पिछले 100 साल में इतने कम नंबर किसी के नहीं आए थे, इतने कम परसेंटेज, 20 में से 19 नंबर, 19 out of 20। और मेरे घर में पूरा घर टेंशन में, जैसे पता नहीं कौन सा, जैसे सास बहू सीरियल में होता है, जैसे कि फूफा जी आने वाले उन्हें और वो पसंद नहीं है, और वही बन गई सब्जी जो उन्हें पसंद नहीं है, पूरा घर टेंशन में। वैसा हुआ, पापा ने उन्होंने देखा जब चेक की मेरी कॉपी कि यार ये तो मैडम ने गलती से एक सवाल चेक ही नहीं किया है, एक नंबर छूट गया है वहाँ पे, और इसकी वजह से मेरे नंबर कम आए। और वो बिल्कुल चौड़े हो गए कि उन बिल्कुल गुस्से में बनबनाते हुए कि अब बस ऐसी की तैसी, कौन है क्लास टीचर तुम्हारी, मैं देखता हूँ। और अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं चल रहा हूँ स्कूल। अगले दिन स्कूल पहुँचे, और स्कूल में जब उनकी एंट्री हुई और उन्होंने जैसे ही पहली बार मीना मैडम को देखा, उनका गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से इस देश से काला धन गायब हो गया। उसके बाद से एकदम से उनका टोन बदल गया, कहते अरे मैं तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा कि थोड़ा हालचाल पूछ लें कि बच्चे क्या कर रहा है डिप्पी, मेरा घर का नाम डिप्पी है। और इसके बाद टीचर ने वही चीज़ घिसी पिटी लाइन दोहराई मीना मैडम ने कि डिप्पी पढ़ने में अच्छा है, थोड़ा और फोकस करेगा तो और अच्छा कर सकता है, थोड़ा हैंडराइटिंग पे और मेहनत करने की ज़रूरत है इसको। अच्छा, मुझे ये थोड़ा और फोकस करने वाला फंडा कभी समझ में नहीं आया, कितना भी फोकस कर लो थोड़ा और फोकस रह जाता है। तो इसके बाद से मैडम ने कॉपी को ऐसे उठाया और पलटने लगी और पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है ना चेकिंग वेकिंग में और ऐसा। तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, आपने एक नंबर का वो गलत वो छोड़ दिया, आपने चेक नहीं किया है। मैंने बोला, इतने में मेरे पापा ने मेरी कॉपी ली और बंद कर दी। कहते नहीं, आप तो मैडम इसकी हैंडराइटिंग इतनी ख़राब है, मैथ्स में भी इसकी हैंडराइटिंग का नंबर काट लिया करिए, है ना, और कुछ दिक्कत नहीं है, और आप मैं अब इस पर पर्सनली ध्यान दूंगा। मैडम ने कहा कि आप तो इतने कंसर्न हैं कि बिना पेरेंट्स टीचर मीटिंग के भी मिलने आ गए, कितने तो पेरेंट्स हैं वो आते ही नहीं है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाली बात सुन के मेरे पिताजी की आंखों में उम्मीद झलकी, उन्होंने तुरंत पूछा कब है मीटिंग। तो मैडम ने बताया बस अगले शनिवार को है, तो लगा ठीक है। और पापा जी बोला कि नहीं नहीं अब मैं इस पर पर्सनली ध्यान दूंगा। और तो टीचर ने बोला कि वो खुद मेहनत करेंगी और पापा भी मेरी हैंड राइटिंग पर मेहनत करेंगे। इसमें एक टेक्निकल दिक्कत क्या थी पापा जी के मेहनत करने में, क्योंकि मेरे पापा जी की हैंडराइटिंग जैसी थी, वो सुबह जो लिख देते थे वो शाम को नहीं पढ़ पाते थे। अब एक ऐसे आदमी को मेहनत करनी थी मेरी हैंडराइटिंग पे। खैर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की घर में तैयारी शुरू हो गई, और ऐसे तैयारी मतलब जैसे कि मेरे पिताजी का हाई स्कूल के बोर्ड का एग्ज़ाम हो। उसके बाद पापा जी एक्स्ट्रा ध्यान देने पे, मम्मी का थोड़ा ध्यान तो गया, ऐसा होता ही है मम्मियों के साथ में। खैर, जब ध्यान गया, लेकिन उनको लगा कि यार इतने दिन से इनको बोल रहे हैं, चलो कुछ तो असर हुआ इन पे हमारी बातों का। फिर हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग के पहले पापा जी का बाकायदा शेव करना, ओल्ड स्पाइस आता था तब, बाकायदा शेव करना, सबसे अच्छे कपड़े पहनना। हर बार जब वो आते थे स्कूल में, हर बात जब शुरू होती तो मेरी हैंडराइटिंग से शुरू होती थी, और फिर पता नहीं घूम घूम के कहाँ चली जाती थी। इसके बाद फिर हर बार मैडम मुझे बुलाती थी कि डिप्पी की हैंडराइटिंग धीरे धीरे सुधर रही है और कोई दिक्कत तो नहीं है, डिप्पी बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। जब वो मैडम बोलती थी तो मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था सुन के, और ये बुला के वो मुझे बुलाती थी और अपने पास ले जाके मेरे माथे पे यहाँ पे पुच्ची कर देती थी मीना मैडम, और मैं ऐसे अपने पापा को लुक देता था कि कितनी बैटिंग आप कर लो, छक्का तो हम ही मारेंगे। इसके बाद मैं उन दोनों लोगों को एक स्पेस देते हुए धीरे से वहाँ से कट के चला जाता था, और धीरे धीरे मेरी हैंडराइटिंग सही में इम्प्रूव हो गई। क्लास सेकंड का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, और मैंने सही में टॉप कर लिया। पापा रिजल्ट लेने पहुँचे और पापा ने कहा नहीं, आपने इतनी मेहनत की है डिप्पी पे, इसकी तो मैं पार्टी दूंगा। तो मैडम ने कहा नहीं नहीं नहीं, पार्टी तो मैं दूंगी, 10-5 मिनट तक मैं दूंगी, और मैं दूंगा पे झगड़ा खत्म हुआ। फिर ये हुआ, एक दिन डिसाइड हुआ कि उस दिन वो पार्टी देंगे, और उन्होंने बोला मैडम ने कि उनको एक खुशखबरी भी देनी है। इसके बाद जानबूझ के
एक ऐसा, अब उस समय में ये सब डीओ वगैरह थोड़ी ना होते थे, तो पापा ने सेंट लगाया, अपना प्रिया स्कूटर निकाला, वो आगे बैठे, मुझे पीछे बैठाया, और हम लोग मीना मैडम के घर पे, जैसे ही मीना मैडम नीचे उतर के आई, मैं अपने आप एक अच्छे लड़के की तरह आगे जाके खड़ा हो गया स्कूटर में, और मैडम पीछे आके बैठ गई, और हमारा जो स्कूटर पे हमारा छोटा परिवार सुखी परिवार जैसा लग रहा था हमारा, और हम लोग डोसा खाने शहर के सबसे दूर जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा तो मैडम ने तुरंत, हम लोगों ने दो मसाले डोसे ऑर्डर किए और एक मेरे लिए सादा डोसे का ऑर्डर हुआ, और पानी पीने के बाद मैडम ने अपने पर्स से कार्ड निकाला और मेरे सर पे हाथ सहलाते हुए कहा कि भाई साहब, आपको और भाभी जी को परिवार सहित शादी में आना है ना, और ये कहते हुए उन्होंने मेरा आखिरी बार माथा चूम लिया। पापा जी, साल भर रगड़ के मेहनत करने के बाद भी क्लास सेकंड फेल हो गए थे। वो मसाला डोसा खाने में उनको इतनी गटकने में इतनी दिक्कत हुई कि उस दिन के बाद से उन्होंने कभी जिंदगी में मसाला डोसा को हाथ नहीं लगाया। मीना मैडम ने स्कूल आना छोड़ दिया और पापा जी उसके बाद कभी किसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए। उनका इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से ही विश्वास उठ चुका था। मेरी हैंडराइटिंग पे क्लास सेकंड के बाद ध्यान नहीं दिया गया, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है और इसी वजह से मैं मैथ्स में भी कमज़ोर रह गया। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा लड़का क्लास सेकंड में जाए और मैं थोड़ा बहुत अपने पापा जैसा महसूस कर पाऊँ। तो हुआ क्या, असल में पापा की कहानियाँ खत्म नहीं होती, आज खानदान खोल रहा है तो सही से खोल ही देते हैं। तो इसके बाद 10 साल बाद मुझे एक डायरी मिली जिसमें उन्होंने एक कविता लिखी हुई थी मीना मैडम के लिए। वो कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ कितना दर्द हुआ होगा इनको लिखने में सब। चलो कुछ देर यूं ही बेवजह हम साथ चलते हैं, बेवजह हम साथ चलते हैं। चलो कुछ देर यूं ही बेवजह हम साथ चलते हैं, थोड़ा भटको ना जैसे कुछ परिंदे घर भटकते हैं, कुछ परिंदे घर भटकते हैं। कोई भी बात ऐसी अब कहां जो हो नई जैसी, अब कहां जो हो नई जैसी। कोई भी बात ऐसी अब कहां जो हो नई जैसी, चलो ना गैस पर बातों की गर्म चाय रखते हैं, कोई चाय रखते हैं। तुम्हारा हाल क्या पूछे, तुम अपना स्वाद बतलाओ, तुम अपना स्वाद बतलाओ। तुम्हारा हाल क्या पूछे, तुम अपना स्वाद बतलाओ, चलो ना सब्जियां बनकर एक दूजे को चखते हैं, एक दूजे को चखते हैं। शहर कमरे सा होता जा रहा है, सांस घुटती है, सांस घुटती है। शहर कमरे सा होता जा रहा है, सांस घुटती है, चलो ना खिड़कियों को घर बनाकर पांव रखते हैं, घर बनाकर पांव रखते हैं। तुम्हारे बाद की हर एक खुशी, तुम्हारे बाद की हर एक खुशी पानी के जैसी है, एक खुशी पानी के जैसी है। तुम्हारे बाद की हर एक खुशी पानी के जैसी है, चलो शिकवे शिकायत रेत पर पानी से लिखते हैं, पानी से लिखते हैं। जमीन पे जमीन से जिस जगह पे जाकर के आसमान मिलता है, आसमान मिलता है। जमीन से जिस जगह पे जाकर के आसमान मिलता है, अगली बार उस जगह पे जाके हम बिछड़ते हैं, हम क्यों बिछड़ते हैं। हमारी जिंदगी के कितने ही पन्ने फालतू हैं यार, हमारी जिंदगी के कितने ही पन्ने फालतू हैं यार, चलो ना लांग कर पन्ने हम आखिर में मिलते हैं, चलो कुछ देर यूं ही बेवजह हम साथ चलते हैं, थोड़ा भटको ना जैसे कुछ परिंदे
घर भटकते हैं. थैंक यू. हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ऑडियंस में से, अब मैं वो सब बता दे रहा हूँ जो मैं तैयारी करके आया था, है ना, कि मैं ऑडियंस में से ऐसे ही रैंडमली किसी से पूछूंगा. आपका नाम क्या है? अच्छा, चलिए, आपने बता दिया, मैंने पूछा पड़ोस में था. कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई दिक्कत इसमें ऐसी दिक्कत है. तो मान लेते हैं निकिता कि आज 26 जनवरी 2018 नहीं है, मान लेते हैं 26 जनवरी 2008 है, 9 है, कुछ भी है. और ऐसा मान लीजिए कि मैं भी कोलकाता में ही पढ़ता था और कॉलेज के पहले दिन मैंने आपको कभी देख लिया था और उसके कई साल बाद तक मैंने जाके कोई कविता एक लिख के रख दी थी जो कभी मैं सुना नहीं पाया. और आज कॉलेज का आखिरी दिन है, 26 जनवरी नहीं है, बाहर हल्का हल्का पानी बरस रहा है, अच्छी अच्छी हवा चल रही है और यहाँ पे कोई नहीं है हम दोनों लोगों के अलावा, और बैकग्राउंड में हमारे म्यूजिक बज रहा है. खुले बालों में तुम मुझको सुनो अच्छी नहीं लगती, खुले बालों में तुम मुझको सुनो अच्छी नहीं लगती, मगर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं लगती. है लहजे में तुम्हारे मासूमियत छोटे बच्चों सी, है लहजे में तुम्हारे मासूमियत छोटे बच्चों सी, मगर बातों से तुम मुझको कोई बच्ची नहीं लगती. तुम्हारे साथ ढूंढे हैं शहर गलियों में खो करके, तुम्हारे साथ ढूंढे हैं शहर गलियों में खो करके, तुम्हारे बाद अब कोई गली अच्छी नहीं लगती. बड़ी मुश्किल से भूले हैं हमारे घाव लिख लिख कर, बड़ी मुश्किल से भूले हैं हमारे घाव लिख लिख कर, तुम्हारी आँख भी हंसते हुए सच्ची नहीं लगती. सुना है एक मुसाफिर ने कहीं पे घर बनाया था, सुना है एक मुसाफिर ने कहीं पर घर बनाया था, खबर अच्छी है लेकिन यार कुछ पक्की नहीं लगती. खुले बालों में तुम मुझको सुनो अच्छी नहीं लगती, मगर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं लगती. थैंक यू. ये मैंने ऐसा सोचा था, ऐसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं, सब झूठ है सब, है ऐसा. तो इसके बाद सुनाते हैं कहानी, ईद मुबारक करके कहानी है. मैं जहाँ पे भी जाता हूँ बहुत बार बोला भी जाता है मेरे से कि आप ये सुनाओ. और ईद वाली कहानी, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, मतलब आप पहले ही ओके? तो नहीं, मैं ऐसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि फिर ऐसा ना हो पैसे काट लें लोग मेरे. तो ईद और आलिया में कोई बड़ा ही गहरा रिश्ता था शायद. आलिया नाम का तो कोई नहीं बैठा है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा, मैं उसके सामने सुनाना भी नहीं चाहता था. तो ईद और आलिया में कोई बड़ा ही गहरा रिश्ता था शायद, करीब 7-8 साल पहले की बात थी. ईद का दिन था और सभी आलिया को ईद मुबारक विश कर रहे थे. ईद मनती हर जगह, ईद मुबारक करते हैं लोग, गले मिलते करते हैं. और कॉलेज में अभी भी लड़के लड़कियां कितना भी एडवांस हो जाए अपना मॉडर्न पना दिखाने में, उनको नानी याद आ जाती है. सब आलिया को ईद मुबारक विश कर रहे थे और वो हाथ मिला के सबसे ईद मुबारक की विश ले रही थी. इतने में मैं सामने पड़ गया. मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़ी मुबारक दी जाती है. तो ये सुनने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि तो लग जाओ गले दुबे जी. अब ये सुनते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम. वैसे भी हिंदुस्तान में किसी भी लड़के के लिए ये समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है कि कब हाथ लगाना कम रह जाता है और कब गले लगाना ज़्यादा हो जाता है. तो खैर, मैं उसके बाद अपने हॉस्टल में आते हुए उसके बारे में बहुत देर तक आलिया के बारे में कुछ सोचता रहा. हर साल इसके बाद, खैर, उसने आलिया ने जाने से पहले मेरे से कहा कि सॉरी, वही तो कहानी है मैडम. आप गले मिल लिया होता तो लेखक थोड़ी ना बनता मैं, आपको क्या लग रहा है लेखक बनना आसान है क्या? ये जो नहीं करवाते कुछ वो लेखक बनते हैं बिल्कुल. तो खैर नहीं, कुछ बड़े राइटर सब कुछ करके भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हर तरीके के लेखक होते हैं, तरह तरह के, जैसे टमाटर आलू हैं वैसे लेखक हैं. खैर बात भटक रही है. तो खैर आलिया ने मेरे से कहा कि तो एक काम करो, कल ईदी खाने तुम घर आओ. और मैंने ऐसी बात डाल दी और हॉस्टल में जाने से पहले उसके बारे में बहुत कुछ सोचता रहा. हर साल ईद पड़ती रही और मैं हर बार उससे बोलता रहा कि हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ हमारे तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मुबारक दी जाती है. और हर बार मेरे से आलिया ये बोलती रही तो लग जाओ गले दुबे जी. कॉलेज के 4 साल तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आलिया को गले लगाने की हिम्मत कर पाऊँ. कॉलेज के बाद से आलिया ने कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली, शायद कलकत्ता में, और उसके बाद से वो मुझे फेसबुक पे भी नहीं मिली, जहाँ पे दुनिया का हर वो आदमी मिल जाता है जिसको आप अपनी लाइफ में एड एज अ फ्रेंड नहीं करना चाहते. फिर
पता नहीं परसों की बात है, मैं ऐसे ही एयरपोर्ट की लाइन में लगा हुआ था और मुझे दूर से एक बंदी दिखी, तो मुझे लगा शायद आलिया है। ये जो शायद होता है ना, इसी पे टिकाया है सब। तो मुझे लगा शायद आलिया है, मैं उसके पास गया और मैंने कहा आलिया, घबराते हुए मैंने पूछा। उसने फटाक से बोला कि अरे दुबे जी आप। तो मैंने कहा यार मुझे तो लगा था, मुझे पता नहीं क्या क्या याद दिलाना पड़ेगा कि हम लोग एक ही कॉलेज में थे, तुम सेक्शन सी में थी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था। और मैंने कहा नहीं नहीं दुबे जी आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप तो 100 साल बाद मिलते तो भी मैं पहचान लेती। तो उस दिन मुझे पहली बार किसी बात की तसल्ली हुई, और प्यार एक तसल्ली तो होता है। खैर मेरी टैक्सी आई हुई थी, मतलब टैक्सी मतलब मेरा ड्राइवर आया हुआ था, सॉरी थोड़ा हाई प्रोफाइल राइटर हो रहा है, तो मेरा ड्राइवर आया हुआ था। मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद हमारी रास्ते में कार में कॉलेज, दोस्तों, कैंटीन, दुनिया भर की बातें हुई। उसने बताया वो ईद पर 15 दिनों के लिए घर आई हुई है। मैंने पूछा भी, और उसने बल्कि मुझसे पूछा भी, शादी हो गई क्या दुबे जी? मैंने बताया कि अरे हाँ मेरी तो 2 साल की बच्ची भी है। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब आलिया का स्टॉप आ गया, और उतरने से पहले आलिया ने कहा, उतरने से पहले मैंने आलिया से कहा सॉरी, तो उसका स्टॉप आ गया और मैंने आलिया से कहा ईद मुबारक। तो इस पर आलिया ने कहा हमारे यहाँ तो ईद पर गले मिलते हैं, हाथ मिला के ईद थोड़े मिली जाती है। तो ये सुनते ही मैंने उसको गले लगा लिया फाइनली। लेकिन कहानी गले लगाने पे खत्म नहीं होती। और उसने मेरे कान में धीमे से कहा, आलिया ने मेरे कान में गले लगाने के बाद धीमे से कहा, ईद मिलने में बहुत देर कर दी तुमने दुबे जी। ये सुनकर मैं बस इतना बोल पाया, ईद मुबारक आलिया, मेरी बेटी का नाम भी आलिया है, कभी घर आओ, थैंक यू। से ना रहे कोई शिकवे गले, दिलकश कोई तू खुमार सी, हर लम्हे में तू थी शुमार सी, कोई नहीं तेरी जैसी, अंधेरों में रोशनी सी, तू ही थी मेरी हर हंसी, माहिया मेरे माहिया, दिल तुम्हीं से आशना, माहिया मेरे माहिया, क्या तुम्हें करे बयां, माहिया मेरे माहिया, दिल तुम्हीं से आशना, माहिया मेरे माहिया, क्या तुम्हें करे बयां। कॉलेज की तमाम अच्छी बातों में से एक बात अच्छी बात यह थी कि हम सारे लोग सारे त्यौहार मनाते थे। ऐसा नहीं था कि ये उनका त्यौहार है, ये फलाने का त्यौहार है। सब लोग, हर कोई ईद मनाता था, हर कोई क्रिसमस मनाता था। तो अब कहानी है क्रिसमस की, और कुछ दोस्त अभी भी सारे त्यौहार मनाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ही सोचने लगे हैं कि ये हमारा त्यौहार है, ये उनका त्यौहार है। खैर इस बार क्रिसमस मनाने का मुझे कभी भी कोई ऐसा ऑफिशियल एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि क्रिसमस मनाते कैसे हैं, और कुछ पता भी नहीं था करते क्या हैं। इनफैक्ट अभी भूल के मैंने कभी किसी को क्रिसमस विश नहीं किया था। मुझे बस बचपन का इतना याद था कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा आते हैं, जिनको वैसे तो अंग्रेज़ी में सेंटा बोलते हैं, लेकिन हम जो कि हिंदी मीडियम के थे तो हम संता बोलते थे, और वो बच्चों के लिए छोटे मोटे गिफ्ट रखे चले जाते हैं जो अगले दिन टीचर हमें दे देती हैं। सेमेस्टर के पेपर के चक्कर में उस बार कोई भी ऐसा नहीं था जो नए साल पे घर जा रहा हो। तारीख थी 25 दिन दिसंबर में, और कोई भी घर नहीं जा रहा था। और कॉलेज में वैसे तो कई सारे, कोई ज़्यादा क्रिश्चियन बंदे बंदियाँ थे नहीं हमारे क्लास में, लेकिन एक डेजी नाम की बंदी थी। डेजी से मेरा बस हाय हेलो लेवल का संबंध था, जैसे आजकल फेसबुक पे लोगों का लाइक लेवल का रिश्ता होता है ना, बाकी कोई बात नहीं होती, बस वो उनका लाइक कर देते हैं, उनका लाइक कर देते हैं। तो इस तरीके का था, दिसंबर था, 25 तारीख थी, कॉलेज की कैंटीन जगह थी, और डेजी
के सामने मैं टहलते हुए एक बार आलिया के पढ़ा था और इस बार डेजी के पढ़ गया। त्यौहार के हिसाब से मैं सामने पढ़ता था और जब पढ़ी गई तो मैंने आओ देखा ना था और तुरंत फटाफट हैप्पी क्रिसमस विश कर दिया। तो सुनकर बहुत हंसी और बोली कि तुम पागल हो क्या, तुम बिल्कुल ही बुद्धू हो, हैप्पी क्रिसमस नहीं बोलते, मेरी क्रिसमस बोलते हैं। लो एक केक खाओ, वार्डन से स्पेशल परमिशन लेके बनाया है। वैसे तो मेरी उम्र का कोई भी लड़का जिसको कोई भी बुद्धू या उससे मिलता जुलता कोई भी शब्द कोई बोल दे तो बुरा लग सकता है, लेकिन डेजी ने बोला था तो बहुत अच्छा लगा, क्यूट लगा। तो उसने पूछा डेजी ने कि तुम नहीं मनाते क्रिसमस? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता ही नहीं है मनाते कैसे, बताओ। तो उसने कहा बहुत ही आसान है, दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटो और सेंटर से जो विश मांगनी है वो मांग लो। तो मैंने ऐसे मजाक में, कैजुअली नहीं होता है भावना ज़्यादा दो, तो मैंने कहा क्या सेंटा सभी की विश पूरी कर देते हैं? तो डेजी ने कहा विश पूरी होने की किसी पड़ी है, विश पूरी होने की किसे पड़ी है यार, लाइफ में विश होना ज़रूरी है, विश पूरी होना ज़रूरी नहीं है। अभी हमारी बातचीत शुरू ही हुई थी कि कैंटीन में मेरे दोस्तों ने मुझे चिल्ला चिल्ला के, दोस्त हमेशा ऐसे होते हैं मौके पर बुला लेते हैं, तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के मुझे बुला लिया और डेजी से चूँकि पहली बार बात हुई थी तो उसकी पार्टी भी ले ली उन्होंने। मैंने उनको पार्टी दे के अपनी सारी की सारी खुशी जो थी वो दोस्तों में उस दिन की बांट दी और ये मेरा पहला हैप्पी नहीं मेरी वाला क्रिसमस था। कल ऑफिस में एक बंदा बैग में सांता बन के वो बैग में कुछ ना कुछ सबको गिफ्ट दे रहा था और गिफ्ट देने से पहले वो सबकी कोई ना कोई विश पूछ रहा था। डेजी और मेरी जो बातचीत अधूरी रह गई थी उस दिन उन दोस्तों के चक्कर में, उसको पूरी करने के विश मैं हर बार मांग लेता हूँ, क्योंकि डेजी ने कहा था लाइफ में विश होना ज़रूरी है, विश पूरी होना ज़रूरी थोड़े है। थैंक यू। इसके बाद मैं एक आखिरी, कहाँ गई वो जो ये करा रहे भाई, कहाँ गए वो लोग? अच्छा तो अभी है हम लोग, मैं ख़त्म करता हूँ इसको 2 मिनट में, है ना, क्योंकि फिर ऐसा ये नहीं हो जाए बाद में हम लोग ज़्यादा मिनट कर दें सौरभ, तो हम लोग को पैसे लेने में दिक्कत है, तो कि हमने तो इतने की बात हुई थी यार, है ना। तो ये कविता ऐसे समझ लीजिए कि मैंने डेजी के लिए लिखी है ना, ज़्यादा बिना कुछ घुमाते फिराते, क्योंकि पापा वाली पोएम लिखी तो मैंने ही आखिर में ना। तो वो बातें जो होठों पे आके थमी थी, वो बातें जो बहुत सारी अधूरी बातें ऐसे रह जाती हैं हमारी लाइफ में, वो बातें जो होठों पे आके थमी थी उन बातों में कितनी ही रातें जमी थीं, वो बातें जो होठों पे आके थमी थीं उन बातों में कितनी ही रातें जमी थीं, वो बातें जो बोली गई ही नहीं हो, वो बातें जो केवल समझी गई थीं, वो बातें जो बोली गई ही नहीं हो, वो बातें जो केवल समझी गई थीं, बातें जो जिद आई कि छूना है तुमको, बातें जो जिद आई कि छूना है तुमको, होठों की हट चुप रहना है उनको, होठों की हट चुप रहना है उनको, पलों ने ठहर कर रोकी कई सांसें, पलों ने ठहर कर रोकी कई सांसें, तो कमरे की दीवारें चुपचाप खांसें, तो कमरे की दीवारें चुपचाप खांसें, तकिए पे बातों ने बदली थी करवट, तकिए पे बातों ने बदली थी करवट, चादर ने कह दी कहानी बसलबट, चादर ने कह दी कहानी बसलबट, तुमने बातों को हथेली से भर के उठाया और हौले से सर पे मेरे सहलाया, कमरे के पर्दे हंस के हिले थे, कमरे के पर्दे हंस के हिले थे, बिन बोले बातों के अब सिलसिले थे, बातें जो आहों में ढलती गईं फिर, बातें जो आहों में ढलती गईं फिर, आहें जो पल में खुलती गईं फिर, बातें तो बातें हैं खत्म होंगी एक दिन, बातें तो बातें हैं खत्म होंगी एक दिन, रातें तो रातें हैं सहर होगी एक दिन, रातें तो रातें हैं सहर होगी एक दिन, वो जो कुछ भी था उसको प्यार ना बोलो, वो जो कुछ भी था उसको प्यार ना बोलो, वो जो कुछ भी है उसे ख्यालों से तोलो, सारी की सारी बातें इकट्ठा कपड़ों में गुम था कई रात गई रात का चिट्ठा, सारी की सारी बातें इकट्ठा कपड़ों में गुम था कई गई रात का चिट्ठा, सुबह उठ के होठों ने बातों की गठरी, सुबह उठ के होठों ने बातों की गठरी धीरे से चुपचाप माथे पे रख दी, वो बातें हमारी हंसी बन गई फिर, वो बातें हमारी हंसी बन गईं फिर, वो बातें हमारी खुशी बन गईं फिर, वो बातें जो होठों पे आके थमी थीं उन बातों में कितनी ही रातें जमी थीं, वो बातें जो बोली गई ही नहीं हो, वो बातें जो केवल समझी गई थीं। थैंक यू। और बस आखिरी बात
ये भी मैं लिख के लाया था ज्ञान, कि कहानियाँ एक्चुअली हम लोग के चारों तरफ हवा की तरह फैली हुई हैं. हम लोग महसूस नहीं कर पाते, बहुत सारी कहानियाँ हमारे आसपास तैर रही हैं. और हम लोगों को, मैं तो उतनी अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाता, प्यार मोहब्बत पे अटका रह गया, जो मेज़लोज़ हायरार्की के हिसाब से बहुत बेसिक लेवल पे अटका हुआ हूँ मैं. लेकिन अगर हम लोग अच्छी कहानियाँ नहीं सुनाएंगे तो आगे वाली जनरेशन ये दुनिया अच्छी नहीं बनाएगी. उसको जितनी अच्छी हम कहानियाँ अभी लिखेंगे या सुनाएंगे, आने वाली जनरेशन वैसी ही दुनिया बनाएगी. और आखिरी बात, जो शुरू में मैंने एक झूठ बोला था कि कहानियाँ कोई भी झूठ नहीं होती, या तो वो हो चुकी होती हैं, या तो वो हो रही होती हैं, या फिर वो होने वाली होती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी मुलाकात होती है दोबारा आप सब लोगों से. थैंक यू.